लिखा है यदि एक रुपया रोक दे आज हम जो कि एक किसान नेता है विकल्प चार जी ठीक है आज उनके पास जो अपनी सरकार ने पहले दिन करने के लिए कदे मोदी मीडिया के आखिर में सरपंच काम सुप्रीम कोर्ट ने कर सुप्रीम कोर्ट ने जहां शुरू के अंदर सरकार को फटकार लगाई यानी सरपंच ने अपना मानस की फटकार लगाई लेकिन पक्ष भी अपना आदमी का लेना था फिर चार कमेटी उसे सदस्य भी बनाए थे जो कि सरकार के पूरी तरह से चाहे आप भाटिया की बात कर लो जो मनमोहन सिंह का भी राजनीतिक किया था और नरेंद्र मोदी का भी अनिल गहलोत भूपेंद्र मान जो पूरी तरह से बीजेपी के दलाल है उन्हें शामिल करें हमने भी लोग क्या भाई तम कमेटी अधूरी रहेगी इसमें ये चार दलाल शामिल करें तो इसमें असली सरपंच ना भी शामिल कर लो और अंबाड़ी या डाड़ी और शामिल कर लिया ये कमेटी पूरी होती जहाँ तक आप बातचीत नतीजा नहीं दो दूर में सरकार के साथ क्षेत्र घटने बातचीत में एक एक नुकसान समझा दिया सरकार भी दिन भर एक आखिरी मीटिंग में तो अमर शाह बोले 50 साहब जो अपना रिजल्ट लोग कई और रिजल्ट न्यू नहीं निकल रहा था मोदी के कौन मानते बोले हम मोदी कौन मानते तुम कौन मानते पर हम कहा तुम कौन मानते मोदी हर भाषण में कह है कि मैं देश से बिचौलिए खत्म करना चाहूँ बोले हाँ जी बिल्कुल कह कि किसी का नोना भी है नरेंद्र मोदी है बिचौलिया अमित शाह है तो तुम ये बिचौलिए खत्म कर दो अंबाड़ी अडानी मार्केल घटना बैठा रिजल्ट 100% होगा या हम दिल्ली छोड़ जाएंगे या विदेश आप देख सकते हो कि यानी कि जो बिचौलिए प्रधानमंत्री जी खत्म करने की बोल रहे हैं वही बात यहाँ पे आपने सुनने को मिली है कि जो बिचौलिया है तीन लाखों को साइड कर दो और जो अंबानी और अडानी है उनसे हमारी एक या दो घंटे बातचीत कराओ किस राज्य की किसान आंदोलन का हलवाई पे निकल सकता है एक और बात जो हरियाणा का नेता है अभय सिंह चौटाला जो बोल रहे हैं कि 27 तारीख को मैं है ना अगर इसका नतीजा नहीं निकला तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा इसे आंदोलन पर लोग आपकी राजनीतिक रेटियां नोटियां सुनना चाहो जब 10 तारीख ने किसानों को ऊपर लाठीचार्ज दिया बीपी को गधा नेता उड़े को ताजा देने इस्तीफा नहीं दिया जब सरसाम गोड़े बरसे जब इसने इस्तीफा नहीं दिया जब हरियाणा बड़े जब इसने इस्तीफा नहीं दिया हर इस्तीफा भी कंडीशन पे दे रहे हैं भाई तीन दिन तक मेरा जिला सरसा है ओडा गांव हम दौरे कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं तब बोला अगली बार कोर्ट दे देंगे यानी लाशा के ऊपर राजनीति इस्तीफा देना होगा तो पूछने की क्या जरूरत है यो का 27 तक होगा 26 तक हमारे लाख को आदमी मर जाएंगे सर किसान राजनीति नहीं करने देंगे किसान किसी का समर्थन नहीं है देश के करोड़ों किसान एक महीने का बच्चा तो लेके 107 साल तक का बुजुर्ग बड़ा बैठा है वे अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे इसी इस्तीफे आप पेपर रखो इस्तीफे कदे सत्ता में नहीं दिया जाते किसान तो वो है जो इसी बहस को राख दे सके इस शर्त में दूध दे वे काटड़ा चुकाओगे तो दूध दोगे उस बहस की भी शक्ति होती है कोई लीडर की बात का कहना है कि जो
भी ये नेता है वो यहाँ पर अपनी क्या की तवे के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ये वहाँ पे उनकी नहीं चलने देंगे। एक और बात है जी, एक और जो की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी राज्यपाल से मिले हैं और वो एक गैर विश्वसनीय पत्र लेके आने की बोल रहे हैं जी, इसका क्या किसानों के हित में फैसला है? मैं तो कह लग रहा जो राजनीतिक अंदर है वो ना जात का, ना धर्म का, ना जमीर का। यो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीन महीने पहले पंजाब के अंदर राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर चढ़ के रैली काटा किसानों का हित में, आज उसके घर का 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं 45 सड़े मानस मरिए एक पर भी भूपेंद्र हुड्डा आया के इसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा आया के ये तो दलाल है। कभी कृषि बिल संसद के अंदर पेश हुए कांग्रेस के अधिकतर सांसदों ने समर्थन कराया, हरीश का बेटा जूत ना पड़ गया है इसलिए कोरोना का बहाना करके वेदांता के अंदर पड़ा रहा, जद बिल पेश हुए। अरे ये कितने किसान इधर से अरे कम से कम 35 लाख में मेरा हाथ है पड़ता है वापस पंजाब रे खाना भी दुआ चुका इसके बिल्कुल घर के पड़ोस में बैठे हैं, घर में तो आयडा भी दुश्मन दोस्त हुआ है और ये भी कुबे किसान है जिनके नाम पर इनका परिवार में राजनीति करे कि हम किसान नेता हैं, हम किसान इधर से हैं, ये कोई किसान नेता नहीं। हमारी लड़ाई सरकार बदलने की नहीं, मोदी बदल देगा तो व्यवस्था बदल देगी, खट्टी बदल देगा तो व्यवस्था बदल देगी, हम लड़ाई लड़ा हम व्यवस्था बदल की। हमने मोदी ने याद होगा 2018 के अंदर नोटबंदी करी थी पूरी तरह से फैल रही थी, हमने हरियाणा पंजाब में शुरू कर दी नेताबंदी। नेताबंदी का मतलब नेता पहले तो न्यू पूछा करते कुर्सा गांव में जावा कुर्सा शहर में जावा जी तो भीड़ मिलेगा, आजकल न्यू पूछा है वह गली बता वह सड़क बता किसान ना मिले ताकि मैं निकल जाऊँ, गाड़ियाँ बदल बदल के निकल रहे हैं तो यह नेताबंदी देश में होगी। और इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष तौर पर कहना चाहूँ जो 33 विधायक ले रहा है इसने शर्म नहीं आती है, इसके बाद आप दीवार पर लगली सरकार पर आप पे दबाव बढ़ा रहे लेकिन इनाम तो मार पर मारे थ्रू सत्ता चावे सत्ता को नहीं आने देंगे विषय बनाए देंगे। इन नेताओं का जितना आंदोलन लंबा चल गया जो गर्भी के घंटे को करे ज्यादा वाव वाव करे तो उनके लठ मार के जो से भी करता था वो लठ मारा तो लीडर बनाए जाएंगे कुर्डी के घंटे को। इससे पहले हमारे आंदोलन में मैं फिर से कहूँ गैर राजनीतिक आंदोलन बीजेपी कांग्रेस का कहे कांग्रेस की सेवा करे, हर किसान के एक महीने के बच्चे से लेकर जो जीवित किसान है उसका आंदोलन है और दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है 100% हम जीतने जा रहे हैं क्योंकि जितनी भी बढ़िया लड़ाइयाँ हुई उनमें एक कर लगा जीते हैं। लेकिन आखिर में भी क्या बढ़ा हाँ बोले सत्य की हारो ही सत्य की जीत, तो निश्चित तौर पर इस किसान क्रांति में किसान जीतने जा रहे हैं, सरकार और कॉर्पोरेट का जो नेक्सस है वो 100% हार गया। एक जो कि अपने सीएम मनोहर लाल खट्टर कुछ दिन पहले अपने जो केवला गांव के अंदर वहाँ पे वो अपनी जबरदस्ती यानी जबरदस्ती बोल लेंगे यानी अपनी मीटिंग में क्या होगा, ये जो लोग सिर्फ बीजेपी नेता लोग या फिर कोई भी किसी भी पार्टी का नेता नहीं हो जाए से
तारीख है, मौसम खराब नहीं है, हरियाणा में तूफान आ रहा है, तूफान में घर से बाहर नहीं निकला करते, घर के भीतर रहो, वो तो शुरू होता है झूठा आदमी, अल्लाह दिल्ला इसका कुछ नहीं, पेपली रैली को था बोले किसान पहुंचे ही नहीं, वहाँ पर 9000 साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, अंबाड़ा के अंदर दर्ज हुआ है, यहाँ दर्ज हुआ है, तो हम इसने यो बताओ कितने निकल जाते हैं बटे हुए तैयार होवेंगे मुकदमे चाहे कितने बढ़ा ले, ये बटे हुए तो ये क्या तीनों काले कानून पच्चे गुनिया, तीनों काले कानून भी पच्चे करवाएंगे और तेरा मोदी तेरी नाक भी रखो। लाइक शेयर और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं।